अस्सलाम वालेकुम जी। आप जिस बच्चे की पिक्चर अपने सामने देख रहे हैं, ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, ये एक बहुत ही खास बच्चा है। बल्कि ऐसे बच्चों के लिए एक स्पेशल वर्ड यूज़ किया जाता है जिसको हम बोलते हैं स्पेशल चाइल्ड। यानी एक स्पेशल चाइल्ड है जिसकी कमर पे आप दुम देख सकते हैं। एक ऐसा दुमदार बच्चा है जिसकी दुम होने की वजह से इसको बड़ी खास अहमियत का हामिल है ये बच्चा। और ये एक इंडियन है और इंडिया में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्या है इस वीडियो के अंदर मैं आपसे वो शेयर करूंगा। लेकिन इस कंडीशन को हम मेडिकल के टर्म में स्पाइना बाइफिडा बोलते हैं। स्पाइना बाइफिडा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्पाइनल ट्यूब का डिफेक्ट आ जाता है, और उस डिफेक्ट की वजह से बच्चे के खासतौर पर जो लंबा रीजन होता है यानी कमर का निचला हिस्सा होता है, उसमें डिफेक्ट आने की वजह से हमें दो कंडीशंस मिलती हैं। या तो वहाँ पर नॉर्मल बच्चों में हेरी पैच बना हुआ आता है यानी कमर बिल्कुल स्ट्रेट होगी, वहाँ पर कुछ भी बल्ज नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर बालों का एक गुच्छा बना हुआ हमें नज़र आता है। दूसरी कंडीशन ऐसी होती है जिसमें बच्चों की बैक साइड पर कोई सिस्ट बना हुआ होगा, यानी वहाँ पर एक थैली बनी हुई होगी, और कुछ कंडीशंस में वो थैली थोड़ा लंबी भी हो सकती है, यानी एक दुम की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है, जैसे कि इस कंडीशन में आप इस बच्चे को देख सकते हैं। ऐसी कंडीशन में बच्चे जो लोअर लिम है उनका, बच्चों का स्फीयर किस्म का वो इफेक्ट होता है, बच्चों में लॉन्ग लाइफ डिसबिलिटीज़ आ सकती हैं। और इसमें ना सिर्फ डिसबिलिटी आती है बच्चे, बल्कि बच्चों में बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। उनमें एक बड़ी कॉमन कॉम्प्लिकेशन ये है कि बच्चे अपना यूरिनरी कंट्रोल जो है वो खो देते हैं, बच्चों का अपने यूरिन पे कंट्रोल नहीं रहता। उसके बाद बच्चों की लोअर लिम की सेंसेशन जा सकती है, यानी अक्सर केसेस में स्पाइना बाइफिडा के बच्चों में लोअर लिम की सेंसेशन नहीं होती, यानी उनका जो निचला धड़ है उसमें किसी भी किस्म की कोई सेंसेशन, कुछ गर्मी सर्दी उनको महसूस नहीं होती, वहाँ पर उनको टेम्परेचर सेंसिटिव वो नहीं रहते, उनको पेन नहीं फील होता। और एक बड़ा बैड इसका कॉम्प्लिकेशन है पेन ना फील होना। पेन ना फील होने की वजह से अमूमन जब बच्चे नीचे क्रॉल करते हैं या फिर वो अपने आप बॉडी को घसीटते हैं, उनको खुदा ना खास्ता कुछ एसिड हिट करती है या कोई पिन भी प्रिक करे, तो वहाँ पर उनको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, जिसका बच्चों को आइडिया नहीं होता क्योंकि उनको वहाँ पर पेन नहीं फील हो रहा। ऐसी कंडीशन में उनको वो लोअर लिम को अपना हैंडल नहीं कर पाते, वो कंट्रोल नहीं कर पाते, और वो कंटिन्यूसली उनको व्हील चेयर बाउंड रहना पड़ता है। इस कंडीशन में हम बहुत सी मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, उनको व्हील चेयर पर ट्रेन कर सकते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज उनमें ट्रेन की जा सकती हैं। स्पाइना बाइफिडा की कुछ कंडीशंस में ऐसे भी होते हैं जिनमें बच्चों में किसी हद तक लोअर लिम में सेंसेशन या कंट्रोल अवेलेबल होता है, या कुछ कंडीशंस में बच्चा अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि उनका जो डिफेक्ट है वो किस लेवल पर है। लेकिन जो कंडीशन आप अभी अपने सामने बच्चे की देख सकते हैं, इस कंडीशन में जो कि उसका बल्ज बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर उसने एकदम की शक्ल इख्तियार की गई है। और हमारे यहाँ ऐसे बच्चों को या ऐसी कंडीशंस में लोग उसके मुख्तलिफ तरह से फ़ायदा भी उठाते हैं, जैसे कि इस कंडीशन में लोगों ने इसको हनुमान जी की सूरत देखकर इनसे प्रार्थना करवाना, इनसे दुआएं करवाना, इनसे तावीज़ लेना, इनके पास आके अपने सरों पे हाथ फिरवाना, ऐसी कंडीशन वहाँ पर चलती है। और उसको ट्रीटमेंट की तरफ ऐसी कंडीशन में नहीं ले जाया जाता इन एरियाज़ में, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ बिजनेस फॉर देम। उनकी फैमिली जो है उनसे बिजनेस के तौर पे उनको डील करती है, लोग उनके पास आते हैं, उन पर प्रसाद चढ़ाते हैं, और उसको एक स्पेशल बच्चे के तौर पे यानी एक डिजीज़ के तौर पे नहीं लिया जाता। और ये कंडीशन सिर्फ इंडिया की नहीं है बल्कि हमारे रीजन में भी पूरे इंडो पाक में इस तरह के बहुत से केसेज हमें मिलते हैं, जहाँ पर बहुत से स्पेशल बच्चे जिनमें कोई भी डिफरेंट चीज़ हो बाकी नॉर्मल लोगों से, और लोग जहालत की वजह से उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और अगर आइडेंटिफाई कर भी लें तो उसको चूंकि उनका एक अच्छा बिजनेस चल रहा होता है उनसे, और तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, लोग उनके पास खुद अपनी बेवकूफ़ी की वजह से चल कर आते हैं, उन पर पैसे भी निछावर करते हैं, उनसे दुआएं भी करवाते हैं, जबकि खुद वो काबिल रहम कंडीशन में होते हैं, उनको खुद ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, और वो खुद दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं अपनी डेली एक्टिविटीज़ के लिए। ऐसी कंडीशन में उनके पास जाकर अपना वक्त और अपना पैसा दोनों बर्बाद करते हैं। आपके आसपास कोई भी ऐसी कंडीशन में कोई भी बच्चा अवेलेबल हो तो आप उनको रेफ़र करें ट्रीटमेंट के लिए, उनको गाइड करें कि आप अपना पहले खुद ट्रीटमेंट करवाएं, उसके बाद फिर दूसरों को गाइड करें उनकी लाइफ सेविंग के लिए। एक चीज़ है कि यहाँ पर बहुत सी कंडीशंस ऐसी होती हैं डिसेबिलिटी की जिसमें हम बच्चों की मैनेजमेंट के थ्रू उनकी जो एक्टिविटीज़ डेली लाइफ जो हैं उनकी रोज़मर्रा की रूटीन जो है उसको बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं, बजाय ये कि हम उनको डिसेबिलिटी के साथ उनके हाल पे छोड़ दें। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी बच्चा आपके इर्द गिर्द अवेलेबल होता है और आप हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, और अगर आप क्लिनिक विजिट करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस कंडीशन में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।